श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता होगा कि 28 अगस्त को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष दिन है, और अगर आज रात में अपने घर पे आपने चौमुखी नंदी दीपक अपने घर पे लगा दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई व्यक्ति उदास नहीं हो सकता। जो उनकी प्रॉब्लम होगी, जो उनकी समस्या होगी, महादेव दूर ज़रूर करेंगे। ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते, आपको शाम के टाइम पर प्रदोष काल में ही अपने घर पे करना है, ठीक है ना। देखो, इस उपाय का नियम होता है, जब भी हम नंदी बाबा के नाम से दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको वह दीपक या तो चौमुखी लगाना होता है या तो दो मुखी दीपक लगाना होता है, ठीक है ना। जो दो मुखी दीपक होता है, अगर आपके जीवन में कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं तो लगाना चाहिए, और चौमुखी दीपक अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आपको पूरी करनी है तो चौमुखी दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब वो दीपक हमें कहां पे लगाना है, किस चीज का लगाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिट्टी का दिया, सभी के घरों में मिट्टी का दीपक है। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मिट्टी का दीपक आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस एक दीपक में आप डेली दीपक लगा रहे हो ना, आप चाहो तो किसी के लिए भी, बुधवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, आप चाहो तो उसी दीपक में बदल बदल के दीपक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, दीपक ले लिया। अब इस दीपक के अंदर हमें क्या डालना होगा, घी का दिया, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपके जीवन से कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं तो आपको कितने मुखी दिया लगाना चाहिए, दो मुखी दीपक। जैसे यहां पे देखो, एक मुखी दिया लग रहा है, आपको इसमें क्या करना है, ऐसे एक बड़ी सी बत्ती लगा दो और एक इसका मुख जला दो और इधर का मुख जला दो, तो ये क्या बन जाएगा, दो मुखी दिया। आप इस दीपक को उठाना, आपके घर के आसपास में, आपके घर का सॉरी घर के आसपास नहीं, आपको अपने घर के मेन गेट के पास में जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको लेना होगा चावल के कुछ दाने। अब यह चावल का दाना चाहे खंडित हो या फिर नहीं हो, खड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। एक चुटकी चावल का दाना लेना, अपने घर के पास में आना, जिस गेट के अंदर आप घुसते हो ना उसके राइट साइड में इस दीपक को प्रज्वलित करना, ठीक है ना। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, बाहर से बहुत हॉर्न वगैरह की आवाज आ रही है, मैं इस टाइम पे उज्जैन में हूं, मैं कल या परसों सीहोर निकल रहा हूं, तो थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रहा है, उस चीज को इग्नोर करिएगा, आप सिर्फ उपाय को समझेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे यहां पहुंचे, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जमीन पे सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल से अपने हाथों से लीप देंगे ना, हल्का सा गंगा जल गिरा के हाथों से साफ करना। इसी गंगा जल के ऊपर जो मैंने आप लोग चावल का दाना दिखाया, कुछ चावल के दाने गंगा जल के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद में जो आपने चौमुखी दिया लिया हो तो चौमुखी, दो मुखी दीपक लिया हो तो दो मुखी दीपक को आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, नंदेश्वर महादेव के नाम से जलाओगे, किसके नाम से, जब भी कोई भी नंदी जो जयंती आती है, नंदी जी का जो दिन आता है, बुधवार के दिन आता है, तो बड़ा सुंदर सा संयोग माना जाता है, और नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दोनों बत्ती प्रज्वलित करनी है, दोनों बत्ती आपको जलानी होगी। यकीन मानिए, लगा करके देख लेंगे, अगर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपकी फैमिली में कभी कोई उदास नहीं होगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय होगा वो स्पेशली होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, व्रत उपवास सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से केसर की, मार्केट में होगा या फिर आपके घर में भी केसर ईजिली अवेलेबल होगा, तो केसर लेना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, केसर के साथ में आपको लेनी होगी दूर्वा, ज़्यादा नहीं लेना है, एक या दो दूर्वा, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आपके घर पे ले लेना। लेने के बाद में आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, और उस कटोरी के अंदर जो आपने केसर लिया है उस केसर को डालेंगे, और हल्का सा पानी डाल के अपने हाथों से मिक्स करना। जब मिक्स करोगे ना तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, केसरिया कलर का, हल्का मरून कलर में हो जाएगा, और उसी के अंदर आपको इस दूर्वा को डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया, फिर आप इस कटोरी को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में इत्र हो ना तो दो चार बूंद इत्र को भी डाल देंगे, अगर इत्र नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप कुछ भी मत डालना, ठीक है ना। और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, बस सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही आपको करना होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में एक कटोरी में
केसर का जल होगा जिसके अंदर आपने दूर्वा डाल रखी है, उसको आपको डालना होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर नंदीश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर डालेंगे। अभी जल मत चढ़ाना, अभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे महादेव से, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी ये कामना है, हमारी ये विनती है, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी ये विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, कुछ भी आप ऐसा करें जिससे हमारी ये मनोकामना बरसों पुराने से अधूरी है, ये इच्छा हमारी पूरी ज़रूर हो जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने इस नंदी बुधवार के दिन करके देख लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज शाम को करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय आपको कैसे करना है और कहाँ पर करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को मूंग के दाने दिख रहे होंगे। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जब भी मैं मूंग के दाने दिखाऊं, जब भी मैं शमी के पत्ते दिखाऊं, आपके दिमाग में आना चाहिए ये उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, बीमारी को लेकर ना। कोई भी व्यक्ति घर का ऐसा है जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा लेना होगा हरा मूंग, है ना। सभी के घरों में अवेलेबल होता है हरा मूंग, बहुत खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको इस तरीके से खड़ा हरा मूंग लेना है और आपको फिर इस तरीके से लेना है एक छोटा सा दीपक। क्या लोगे? दीपक। अब वो दीपक नया हो पुराना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस दीपक को जलाना नहीं है। आपने जो हरा मूंग ले रखा है उस हरे मूंग को इसी दीपक के अंदर आपको रख देना, ठीक है ना। जितने भी लिए हैं, एक चुटकी दो चुटकी दीपक भर के एक चम्मच, जितने भी लिए हैं इस दीपक में रख देना। फिर आप इस दीपक को उठाना, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे इस दीपक को। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस दीपक को स्पर्श कराएंगे जिस कमरे में आपके यहाँ का वो व्यक्ति क्या करता है, सोता है, बीमार व्यक्ति आपके घर का जो सोता है उसके कमरे में बुधवार के दिन पूरी रात आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को मूंग के दाने भरे हुए को रख देना, ठीक है ना। अगले दिन कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार का दिन। साथ ही साथ इस दिन एकादशी भी पड़ रही है, अजा एकादशी। उस दिन सुबह आप इस दीपक को उठाना, एक बार फिर से उसके हाथों से इसको स्पर्श कराना, टच कराना और लेके चले जाना कहाँ पे? आपके घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो, जिसको हम लोग हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे और पूरा का पूरा जो कटोरी होगा, जो पूरा का पूरा दीपक होगा उसको वहाँ पे वटकेश्वर महादेव के नाम से रख करके चले आएंगे, तो आपके घर की जो बीमारी होगी ना वो दूर हो जाएगी। देखो जितने उपाय बताए जाते हैं ना, बहुत ही सच्ची श्रद्धा सच्चे विश्वास के साथ आप किया करिए, जिससे आप करोगे तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने छोटे छोटे से, देखो मुझे बताने में भले टाइम लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जब आप इस उपाय को करोगे ना मात्र आपको दो मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना। अब आपको एक बात बता दूँ, मैं इस टाइम पर सीहोर जा रहा हूँ और अगर आप लोग को सीहोर से कुछ मंगाना है रुद्राक्ष को छोड़ करके, जैसे गुरु जी की हाथ की लिखी हुई किताब हो गई, वहाँ का स्टिकर हो गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या फिर जो भी चीज़ें आपको मंगानी है मुझे आप व्हाट्सएप कर देना 9005643345। ये मेरा WhatsApp नंबर है, मैं आपके घर तक उन सभी चीज़ों को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई अब तीन उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ होगा आपके घर के क्रोध को खत्म करने का। आज के टाइम का हर एक फैमिली का बस एक सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग आज के टाइम पर गुस्सा बहुत करने लगे हैं, उसी गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए इस उपाय को करना है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, है ना, सभी घरों में होगा। पीले चंदन के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लौंग की, और लौंग कितनी लोगे? आपको पांच लौंग लेनी होंगी, ठीक है ना। पांच लौंग लेंगे, साथ ही साथ पीला चंदन लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मने घर पे कर लो, मने मंदिर में, जहां पे आपकी इच्छाएं कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना है पहुंचते ही आपको छोटा सा काम, जो पीला चंदन होगा उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको करना होगा, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लौंग है ना, उस लौंग को इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से, और चिपकाने के बाद में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके तो चढ़ाओगे चढ़ाओगे, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर का आपके गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए इस नंदी जयंती के दिन, नंदी बुधवार के दिन
आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।